करते हैं। अच्छा, मैंने इससे पहले आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर की टाइप्स बताई हुई हैं। जी, मैंने इससे पहले आप लोगों को सॉफ्टवेयर्स की टाइप्स बताई हुई हैं। तो सॉफ्टवेयर्स के अब हम देख लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने बता दिया था। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपकी विंडोज़ वगैरह होती है, ठीक है, वो हमने देख लिया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है आपका। तो आप ये वाली बुक में मुझे याद नहीं रहा, आप लोगों को शेयर करना, मैं कर दूँगी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हूँ मैं। जैसे एक आप लोगों को मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर बताया था, जिसमें हमने कहा कि लिनक्स, यूनिक्स, ईटीसी, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका वो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब मैं बात करने लगी हूँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो एक ऐसी टाइप है सॉफ्टवेयर की डैट इज़ यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर द यूज़र। बेटा, ये जो आप PDF भी देख रहे हो, आप वर्ड भी ओपन कर रहे हो, कोई भी जो खुद इंस्टॉल किया हुआ सॉफ्टवेयर होता है ना, उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। वी यूज़ डिफरेंट पैकेजेस ऑन कंप्यूटर टू री ईज आवर वर्क। हम इनको क्यों यूज़ करते हैं, हमारे काम को जो आसान बनाने के लिए करते हैं। इट इज़ यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क, जैसे कि जिसमें आपकी आती है वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस। इनका नाम तो ज़रूर आप लोगों ने सुने होंगे, ऐसा नहीं होता कि मतलब नाम भी ना सुने हों। वर्ड MS वर्ड होता है, MS एक्सेल शीट होती है जो कि मार्ट वगैरह में, मॉल्स वगैरह में यूज़ होती है, डेटाबेसेस होती हैं। दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजेज द ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करते हैं हम। देखिए, पहले बेटा सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, विंडो इंस्टॉल होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अगर आपकी विंडो, लिनक्स, यूनिक्स या कुछ भी इंस्टॉल है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तभी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए, जब अपनी विंडो ही नहीं की होगी तो आप MS वर्ड, PDF या कुछ भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकेंगे, नहीं ना कर सकेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द बेस सॉफ्टवेयर। यस, ऑपरेटिंग सिस्टम बेस सॉफ्टवेयर है, बिकॉज सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इम्पोर्टेंट। जब तक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा, आप कोई भी काम उसके ऊपर नहीं परफॉर्म कर सकते। दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन ऑन द टॉप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने अभी आपको क्या बताया कि हम जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो कहाँ पे रन करते हैं, अपने जो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उसके ऊपर करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, जिसमें आपके आते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर, कस्टम सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर। अब इनको वन बाय वन देख लेते हैं, इसके आगे नीचे भी हैं। पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, पैकेज सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़र। देखिए, पैकेज है, ठीक है, किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारे कॉलेज है, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, तो वो बेटा कॉलेज वाले ही यूज़ कर सकते हैं, आउटसाइडर उस सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज़ कॉल्ड पैकेज सॉफ्टवेयर। इट इज़ नॉट डिवेलप फॉर अ पार्टिकुलर यूजर और ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल और पैकेज सॉफ्टवेयर एंड वर्ड प्रोसेसिंग, सेपरेट सॉफ्टवेयर, मैनी पैकेज सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल ऑन द वेब। सॉरी, पैकेज सॉफ्टवेयर ये होता है, जैसे कि MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, सेपरेट शीट हो गया, ये आपके सॉफ्टवेयर हैं। सॉरी, वो रोंग हो गया, वो इसमें नहीं आता, वो आपके कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। ठीक है, जो समझ ले, जो मैंने पैकेज सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन बताई है वो कस्टम सॉफ्टवेयर की है। पैकेज मतलब MS ऑफिस हो गया, PDF हो गया। देखिए, मुझे सारे फ्री सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं, सो ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी एक स्पेशल यूजर के लिए बाउंड नहीं है, हर कोई बंदा इसको यूज़ कर सकता है। ये होते हैं आपके पैकेज सॉफ्टवेयर। कस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, कस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो डेवलप किए जाते हैं स्पेशल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जो मैंने पहले बता दिया था। सॉरी, वो इसके अंदर आना था। कस्टमाइज मतलब स्पेशल जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए जाएं और वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही यूज़ किया जाए, आउटसाइड यूज़ ना किया जाए। हाँ जी, नेक्स्ट है जी आपका शेयरवेयर।
शेयरवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की क्या इसमें क्या कहते हैं, शेयरवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड। जो आपका शेयरवेयर है वो ऐसे टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है दैट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर लिमिटेड टाइम। देखिए हम जब एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो आपको कहता है 30 डेज का ट्रायल है, ठीक है, तो वो होते हैं आपके शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। तो देन वो आपको कहता है द यूज़र कैन यूज़ शेयरवेयर फॉर सर्टेन टाइम पीरियड ऑफ टाइम। अगर उसके बाद वो कहता है द यूज़र हैज़ टू परचेज इट If want to use further, हमें अक्सर अलर्ट आ जाता है कि आपने ये इंस्टॉल किया, जैसे VLC है, कुछ भी ऐसा सॉफ्टवेयर है, आप लिमिटेड टाइम के लिए कहते हैं 30 डे का ट्रायल मिलता है आपको, उसके बाद वो कहता है कि रजिस्टर करें, ठीक है। वो आपके सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो शेयरवेयर होते हैं। बस इतना आप लोगों को बता रही हूँ, उतना ही करना, हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपने उसकी डेफिनेशन करनी है और आप कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कौन से हैं जी। फ्रीवेयर, फ्रीवेयर इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डैट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर अनलिमिटेड टाइम पीरियड। फ्रीवेयर अनलिमिटेड टाइम पीरियड हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे कि VLC ओपन सोर्स है, आप कोई ग्राफिक लाइक इमेजेस का सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हो, गिफ्ट क्रिएशन कर रहे हैं, फ्री जो फ्री आपको मिल रहे हैं ना ओवरऑल दी टाइम, वो होते हैं आपके फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं ये जी। अब हम बात करते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर्स की। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इज आल्सो फ्री सॉफ्टवेयर। पब्लिक डोमेन आपके जो है वो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, सो नाम भी देखें पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। इट इज़ बेसिकली डोनेटेड फॉर पब्लिक यूज, इट हैज़ नो कॉपीराइट। यहाँ पे इसके कोई भी कॉपीराइट्स नहीं होते, फ्री अवेलेबल है, सबको फ्री अवेलेबल है। एनी पर्सन कैन यूज और डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, सो कोई भी पर्सन इसको यूज कर सकता है, फ्री अवेलेबल होते हैं ये जी। यहाँ पे कैटेगरीज हैं आपके सॉफ्टवेयर्स की जो कि आपके कोर्स का पार्ट हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम रीड आउट कर रहे हैं, उसमें हमने MS वर्ड, पावर पॉइंट, ETC सारा कुछ ये देखना है जी। बिजनेस में, ग्राफिक्स में और होम, पर्सनल एजुकेशन में और कम्युनिकेशन पर्पस के लिए हम क्या सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ये हमने देखना है। बिजनेस के लिए हम वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, नोट टेकिंग, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर PDA सॉफ्टवेयर सूट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ये हम यूज़ करते हैं। ग्राफिक्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, CAD। CAD का सुना होगा कि जो मैप्स वगैरह बनाते हैं, नक्शे वगैरह बनाते हैं, वो CAD सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, पेंट, इमेज एडिटिंग, वीडियो एंड ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एंड ऑडियो और एडिटिंग, मल्टीमीडिया ऑथरिंग, वेब पेज ऑथरिंग, होम पर्सनल एजुकेशनल में सॉफ्टवेयर सूट आता है, पर्सनल फाइनेंस, लीगल, टैक्स प्रिपरेशन, क्लिप आर्ट, इमेज गैलरी, होम डिज़ाइन, लैंडस्केपिंग, एजुकेशनल रेफरेंस, मतलब ये सारे जो भी सॉफ्टवेयर हैं कैटेगरीज को डिवाइड किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कम्युनिकेशन में ईमेल, जैसे कि आप जीमेल वगैरह पे काम करते हैं, FTP, न्यूज़ ग्रुप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, चैट रूम, तो ये हैं आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज, इनको डिवाइड किया गया है मेन कैटेगरी में, फिर उनको क्या डिवाइड किया गया है सब कैटेगरीज में। तो हम ना सबसे पहले अपना MS वर्ड देखेंगे, ठीक है, जो कि आपके बिजनेस सॉफ्टवेयर के अंदर लाई होता है। और चूंकि मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दिया तो उसके बारे में भी मैं गाइड करती हूँ आप लोगों को। बिजनेस सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू इम्प्रूव बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपकी जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ है उसको इम्प्रूव करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस सॉफ्टवेयर आ रहा है फॉलोज, जहाँ हम इसमें ये वर्ड प्रोसेसिंग को भी यूज़ करते हैं, जैसे जिसे हम MS वर्ड कहते हैं, ठीक है। ये है आपका MS वर्ड, लुक लाइक दिस। मैं आपको दिखा रही हूँ MS वर्ड, ओपन हो जाए देन मैं दिखा रही हूँ जी। ये है आपका MS वर्ड, ठीक है। MS वर्ड में यहाँ से देखें, हमने जाना होता है, मूव करना होता है न्यू फाइल के ऊपर, यहाँ से फाइल, अच्छा ये मैं फाइल के ऊपर गई हूँ,
मुझे न्यू फाइल चाहिए, ठीक है, मुझे खाली ब्लैंक फाइल चाहिए। तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है ना, मैं फाइल के ऊपर गई हूँ, यहाँ पे मैं न्यू के ऊपर क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। मैंने न्यू के ऊपर क्लिक किया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक किया। बेटा इसके अंदर जो लेटेस्ट वर्जन है ना, इसके अंदर आपको सीवी सब के फॉर्मेट वगैरह मिल जाएंगे। एनीवे ये ओपन होता तो उतनी देर तक हम इसको रीड आउट कर लेते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता क्या है। अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस लेटर्स, एप्लीकेशंस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। आपका जो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है किस लिए यूज़ होता है? लेटर को प्रोड्यूस करने के लिए, एप्लीकेशंस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। वर्ड प्रोसेसिंग इज़ यूज्ड इन बिजनेस टू जनरेट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। हम यहाँ पे ये वर्ड प्रोसेसिंग को किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं? यहाँ पे जो लास्ट पे थीसिस वगैरह होते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं, जो भी रिटन पार्ट होता है वो एमएस वर्ड के अंदर ही तो लिखा जाता है। फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट फीचर्स। अब हम इसके फीचर्स को देख लेते हैं कि आपका एमएस वर्ड आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करता है। जी, एम एस वर्ड के अंदर सबसे पहले आती है आपकी टूल बार्स, ठीक है। अब टूल बार्स क्या होती हैं? टूल बार्स डिस्प्ले शॉर्टकट बटन्स टू मेक एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग क्विकर एंड ईजियर। यहाँ पे जो टूल बार होती है, अब ये टूल बार कौन सी चीज़ है? टूल बार यहाँ पे होती है, जैसे कि आप लोगों को ये टूल बार है, ये वाली चीज़, ये वाली टूल बार है, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको आसानी से चीज़ जो है वो सामने नज़र आ रही होती है, ठीक है। अब ये देखें, एम एस वर्ड है, टूल बार डिस्प्ले शॉर्टकट बटन्स टू मेक एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग क्विकर ईजी। अनडू एंड रीडू होता है, अनडू और रीडू दोनों में क्या डिफरेंस है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स एन अनडू फीचर विच इज़ यूज टू रिमूव द इफेक्ट द लास्ट एक्शन। बेटा अनडू जो चीज़ होती है, लाइक मेरे से रिमूव हो गया है तो मुझे वो वापस लेके आना है, तो उसके लिए मैं कमांड यूज़ करूँगी अनडू, ठीक है। कंट्रोल जी, कंट्रोल जी है अनडू की कमांड। अभी मैं करके भी दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पैराग्राफ इज डिलीटेड बाई मिस्टेक, लेट सपोज करें मुझसे पैराग्राफ डिलीट हो गया है, इट कैन बी रिकवर्ड बैक ऑन द स्क्रीन बाई यूजिंग द अंडू कमांड। एक्शन कैन बी डन अगेन बाई यूजिंग द रीडू। अब डिलीट हो गया वो वापस आ जाएगा, दोबारा एक्शन को रिकॉल करना है, दोबारा मतलब गायब करना है, तो फिर रीडू कर दें। तो ये मैं दोनों करके दिखाती हूँ आप लोगों को। जी, ये है आपका एम एस वर्ड ओपन हो चुका, ठीक है। एम एस वर्ड के ऊपर जो सबसे टॉप पे चीज होती है बेटा, ये आपका टाइटल बार होता है, जहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स लिखी होती हैं। इसको जरा गौर से देखिएगा, अब मैं सारा ओवरव्यू देने लगी हूँ एम एस वर्ड का, बिकॉज असाइनमेंट हमने करनी है। इसके अंदर ये आपका टाइटल बार होता है, ये थ्री बटन्स हैं, ये इसको करूँगी मिनिमाइज हो जाएगा, मतलब ये देखें मिनिमाइज हो गया, ठीक है। फिर मैं क्लिक कर रही हूँ, ये इसे छोटा बड़ा होगा, ये वाला जो बटन होता है मैक्सिमाइज, इसे मैं बंद नहीं करना बिकॉज क्लोज हो जाएगा। और ये मेरा अकाउंट है जो भी मैंने, तो वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये सेव होता है, जब हमें शॉर्टकट वे होता है कि सेव करने का, एक तो ये तरीका है, इसको इसके ऊपर क्लिक करने से जब आपकी न्यू डॉक्यूमेंट होती है ना, तो वो आपसे मांगेगा कि किस नाम से सेव करना चाह रहे हैं और कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। लाइक मैं चूज कर लेती हूँ, मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है और ISL के नाम से करना है, ठीक है। मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये देखिए कि टाइटल बार में इसका नाम चेंज हो जाना है, देखिए हो गया ना ISL, मैंने इस्लामियत के नाम से लिखा है तो ये यहाँ पे चेंज हो गया। हाँ जी, ये जो चीज़ होती है, ये आपका मेन्यू बार होता है, ये जो चीज़ होती है ना बेटा, ये वाली जो चीज़ जिसके ऊपर मैं क्लिक कर रही हूँ ऊपर, ये वाली, ये आपका मेन्यू बार है। ये वाला, ये आपका मेन्यू बार है।
और जिसके ऊपर क्लिक करने से फर्दर ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं, ये चीजें, जैसे कहीं मैं होम के ऊपर क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। अब ये देखे क्विक एक्सेस मुझे मिल रही है, मुझे शॉर्टकट सारी चीजें अवेलेबल हैं, के बजाय मैं इसके अंदर जा के फाइंड आउट करूँ, तो ये बेटा जो होता है ना, ये आपका टूल बार होता है, ठीक है। ये सारा जिसके इन फर्दर मेन्यूज के ऊपर मैं क्लिक कर रही हूँ, ये सारी आपकी टूल बार्स हैं, और ये आपकी क्या है, टूल बार्स हैं। टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, ये आपका डॉक्यूमेंट एरिया होता है, ब्लैंक एरिया जहां पे आपने काम करना होता है, ये आपका जो कस्टमाइज मतलब नेविगेशन एरिया होता है, यहाँ पे आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं कि आपने वर्ड को किस व्यू में देखना है। देखिए रीड मोड क्लिक करूंगी तो वो रीड मोड में क्लिक हो गया, ये देखिए रीड मोड ऐसा होता है, मैंने डॉक्यूमेंट व्यू करना है तो डॉक्यूमेंट व्यू ऐसा होता है। सो मैक्सिमाइज करना है, ये देखिए बड़ा हो गया, छोटा हो गया, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा मैं फाइल के ऊपर जा रही हूँ, ठीक है, मुझे न्यू फाइल चाहिए तो मैंने फाइल के ऊपर जाना है, न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करूँगी, यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल हैं, जैसे कि सीवीज वगैरह, रिज्यूम वगैरह, इसके लिए भी देखिए मोर टेम्पलेट्स के ऊपर मैं क्लिक करती हूँ तो टेम्पलेट्स वगैरह जो है वो ओपन होंगे। सो बेटा आप लोगों ने इसके ऊपर प्रैक्टिस करके देखनी है, जब तक आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करनी आप लोग अपनी असाइनमेंट्स नहीं कर सकते, जो सीवी की असाइनमेंट दी है मैंने उसके बारे में भी मैंने गाइड करना है जी। ओपन क्या चीज़ होती है, मतलब जहाँ पे आपकी फाइल पड़ी हुई है वहाँ से डायरेक्ट आप ओपन कर सकते हो, दिस पीसी सेलेक्ट करके जहाँ पे भी आपकी फाइल है, ठीक है, ब्राउज करें और अपनी फाइल को सर्च कर लें। तो ये वे है कि मैंने अब ये वाली फाइल तो मेरी ऑलरेडी ओपन है, ISL ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, तो आप लोग किसी भी फाइल को देखना चाहते हैं, डायरेक्ट ओपन करना चाहते हैं, तो ये भी तरीका है कि ब्राउज करके भी आप उसको ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी जी। सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है, देखिए बेटा मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, मैंने उसको एक बार सेव कर दिया हुआ है इस नाम से, ISL के नाम से, तो अब वो भला क्या होगा, मैंने ISL के नाम से सेव कर दिया, अब मैं जब भी सेव का बटन प्रेस करूंगी ना तो वो इसी के अंदर ही चेंजेस करता रहेगा, ठीक है, इसी के अंदर सेव करता रहेगा, लेकिन जब मैं सेव एज के ऊपर क्लिक करूंगी ना तो वो मुझे दोबारा कहेगा कि किस नाम से सेव करना है, वो मुझसे दोबारा मांगेगा कि हाँ जी आप नेम चेंज करना चाहते हैं या कुछ भी लोकेशन चेंज करना चाहते हैं या एक फाइल की दूसरी जगह पर कॉपी रखना चाहते हैं, तो ये दोनों में डिफरेंस है। प्रिंट करने के लिए प्रिंट के ऊपर जाते हैं, अगर मुझे अपनी फाइल को कहीं पर एक्सपोर्ट करना है, लाइक एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है एक फाइल से दूसरी फाइल में, तो आप एक्सपोर्ट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। ये अकाउंट है, जैसे कि आप लोगों के जीमेल का अकाउंट होता है, माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होता है, तो डिफरेंट अकाउंट है वो भी इसके साथ ऐड किए जा सकते हैं। मेरा अकाउंट जैसे कि ये ऐड है, ओके। अब मुझे इस फाइल को PDF की फॉर्म में सेव करना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को टास्क दिया है कि आपने जो CV बनानी है, ठीक है बेटा CV इसके अंदर बन गई, लेकिन जो गूगल क्लासरूम के अंदर CV आपने मुझे शेयर करनी है ना, वो PDF के अंदर कन्वर्ट करनी है। लाइक मैं इसके ऊपर कुछ भी लिख रही हूँ, ठीक है, मैं इसके ऊपर कुछ भी लिख दिया मैंने, जैसे कि मैंने ये लिखा है, अब मैं देखे बेटा मैं कंट्रोल एस प्रेस कर रही हूँ, यहाँ पे आपके कीबोर्ड के ऊपर बटन है, क्या बटन है, CTRL प्लस प्लस, एक्चुअली आपने प्रेस नहीं करना, ये चीज़ याद रखिएगा, प्रेस नहीं करना प्लस, ये बस उसको कह रहा है कि कंट्रोल प्लस एस आपने प्रेस करना है, तो ये आपकी सेव की शॉर्टकट कमांड है, ठीक है, ये आपकी सेव की शॉर्टकट कमांड है। अगर आप लोगों को कमांड नहीं याद तो आप ये वाला जो बटन है ऊपर टॉप पे, ये वाला जो बटन है टॉप पे, इसके ऊपर भी आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर भी आप सेव डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, लेकिन नहीं तो आप फाइल के अंदर जाके भी, फाइल के अंदर जाके भी आप जो है वो सेव का बटन प्रेस कर सकते हैं,
ठीक है, ये देखें सेव का बटन, यहाँ से भी सेव हो जाएगा, यहाँ से भी सेव हो जाएगा, या फिर आप कंट्रोल एस प्रेस करें कीबोर्ड से तो यहाँ से भी सेव हो जाएगा। तो ये थ्री वेज हैं कि आप एक डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब वो जो अंडू और रीडू का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे आपके जो अंडू और रीडू का कॉन्सेप्ट है, ये क्या चीज होती है? लाइक मैं कोई भी चीज लिख रही हूं ना, ये देखिए मैंने ये कुछ चीज लिखी है, लेट सपोज करो ये मेरे से डिलीट हो गई है या मैं खुद डिलीट कर दी है। अब मैं खुद नहीं लिख रही, अब मैं क्या कर रही हूं, मैंने की प्रेस करनी है कंट्रोल जी, ये देखिए वापस आ गया, मैंने डिलीट किया था, मुझे वो एक्शन वापस चाहिए था तो मैंने कंट्रोल जी प्रेस किया, वो क्या हुआ, वापस आ गया। मैं फिर डिलीट करके देखे कंट्रोल जी प्रेस कर रही हूँ, वो फिर वापस आ जाएगा, बिकॉज ये एक्शन आपका जो रिसेंटली रिमूव हुआ होगा ना, रिसेंटली रिमूव हुआ, सारी डॉक्यूमेंट ये ना कहें कि मैंने सेव की थी, मैं उसको दोबारा ओपन की है फाइल, तो वो भाई आपने काम 18 तारीख को किया है और आप 20 तारीख को कह रहे हैं कि मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ मेरा सारा काम वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो अभी रनिंग टाइम पे होगी ऑन, कंट्रोल जी प्रेस करने से अगर कोई चीज़ आपकी मतलब के डिलीट हो गई है तो कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो वो वापस जो है वो आ जाएगा। तो अंडू के लिए क्या कमांड है, अंडू की कमांड क्या है, कंट्रोल प्लस जी, ठीक है। और रीडू क्या चीज होती है, रीडू की कमांड है कंट्रोल प्लस, जिसे हम कंट्रोल प्लस वाई, ठीक है। अब ये कंट्रोल प्लस वाई है ना, मैं कंट्रोल प्लस जी प्रेस करती हूँ तो वो देखा पहला वर्ड डिलीट हो गया, फिर मैं कंट्रोल प्लस वाई करती हूँ तो वो देखे रीडू एक्शन हो गया, कंट्रोल वाई कंट्रोल जी प्रेस किया उसने वर्ड को डिलीट कर दिया, या कुछ भी मतलब एक्शन परफॉर्म हुआ, रिसेंटली डिलीट हुआ या डिलीट करना चाह रहे हैं या कुछ भी लिखा है, कंट्रोल जी ने वो काम करना है, लेकिन मुझे मैं कंट्रोल वाई प्रेस करती हूँ तो वो वापस जो है मेरा एक्शन रीडू हो जाता है। तो ये दो कमांड्स हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करने पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये क्या कर रही हैं। जी यहाँ पे होम मेन्यू है, यहाँ पे ये देखें लाइक मुझे इसका कलर चेंज करना है या मुझे इसका राइटिंग का कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगी, मैंने राइटिंग का कलर चेंज करना, देखें आप कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, ये कलर चेंज हो रहा है, तो आप पहले सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने पूरी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है बेटा तो उसके लिए हम सिलेक्ट ऑल, उसके लिए हम करेंगे कंट्रोल प्लस ए, ठीक है, उसके लिए हम कंट्रोल प्लस ए कमांड यूज करेंगे। मैं कंट्रोल प्लस ए प्रेस कर रही हूँ, सारा सिलेक्ट हो गया। अगर आपको कमांड नहीं आती तो आप इस तरह करके सिलेक्ट कर सकते हैं अपने कर्सर के जरिए, ठीक है। अब ये सिलेक्ट हो गया, मुझे सबका फॉन्ट जो है वो करना है 22, ठीक है, अभी 22 फॉन्ट हो गया मुझे, देखें इसके फॉन्ट जो भी इसकी मतलब स्टाइल है, मैं उसे कह रही हूँ कि मुझे ये कोई भी चूज कर ले, ये देखिए इतने सारे आप लोगों के पास डिजाइन अवेलेबल हैं, लाइक मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब देखिए कि मतलब गुड लुकिंग तो खुद ही बनाना होता है ना इंसान ने। अब देखिए मुझे बोल्ड करना है तो मैं बोल्ड कर सकती हूँ, लाइक मैं ये ऑलरेडी बोल्ड है, ठीक है, ये ऑलरेडी बोल्ड है। अब ये चीज है, मैं इसको सिलेक्ट किया, बोल्ड किया, देखिए बोल्ड हो गया, इटैलिक क्लिक किया इटैलिक हो गया, अंडरलाइन पे क्लिक किया अंडरलाइन हो गया। अब अंडरलाइन के नीचे देखें यहाँ पे ये जो एरो होता है, यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन है आपके अंडरलाइंस के, ठीक है, आप अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है, ये कलर्स भी चेंज हो रहे हैं अंडरलाइन के। आपको अपर केस में कन्वर्ट करना है, इन फॉन्ट को इंक्रीज करना है, ये देखें इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज करना है तो यहाँ पे हो रहा है। ये होता है आपने जिस तरह भी सेंटेंस केसेस बनाने हैं, लाइक मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग देती हूँ, ठीक है। अब ये थ्री वर्ड्स को देखिएगा, स्पेसिंग है तो
तो मैं चाह रही हूँ कि कैपिटलाइज करे हर वर्ड को. देखिए हर वर्ड को उसने क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया, बिकॉज स्पेसिंग के बगैर तो पता ही नहीं ना चलता कि वो वर्ड है. इस तरह तो वो लग रहा है कि एक ही लाइन है. अब मैं चाह रही हूँ किसी को करे केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दिया, टोगल केस कर दिया. देखिए टोगल केस में क्या, हर पहला वर्ड छोटा कर दिया, बाकी सबको क्या कर रहा है, बड़ा कर रहा है, कैपिटलाइज कर रहा है. लोअर केस सबको छोटा कर देगा, अपर केस सबको बड़ा कर देगा. सेंटेंस के इसने क्या करना है, ऑटोमेटिकली पहला वर्ड जो पैराग्राफ का पहला वर्ड होता है उसको कैपिटलाइज कर देगा, बाकी हर वर्ड को क्या लेगा, स्मॉल लेगा. और ये कुछ डिजाइनिंग है, लाइक आप अगर एनिमेशन लाइक कलरफुल करना चाहते हैं कुछ भी, ये रिफ्लेक्शन ईटीसी लाइक दिस डिजाइनिंग है ये, ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं. अब देखो ये पैराग्राफ एक सीक्वेंस में नहीं है, मैं चाह रही हूँ यहाँ से जो है ना वो एक ही सीक्वेंस में आए. तो ये देखो ये अलाइनमेंट्स होती हैं, इनको क्या कहते हैं, अलाइनमेंट्स कहते हैं, ठीक है. ये आपकी सेंटर है, सेंटर में आ गया, आपकी राइट साइड पे चला गया. जस्टिफाई, जस्टिफाई जो होता है ना हम एक्चुअली यही यूज करते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर. देखिए जस्टिफाई ने क्या किया, जस्टिफाई जो है उसको मैनेज कर देगा. देखिए लाइंस इक्वल लाइंस का मतलब होता है कि जस्टिफाई जो है वो एक साथ हो जाएगा, ठीक है. ये लो हाई अब जस्टिफाई हो गया है ये. तो ये स्पेसिंग है, लाइक मुझे ये देखें अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर स्पेसिंग कितनी रखनी है या नहीं रखनी या रिमूव करनी है, तो आप ये सारा काम कर सकते हैं. सिलेक्ट करें, ठीक है, रिमूव करना चाहते हैं, स्पेसिंग जो है वो रिमूव हो जाएगी. अब मैंने ये चीज़ सिलेक्ट करती हूँ, ये देखिए ये क्या होगा, मूव होगा, ठीक है. ये क्या कर रहा है, इंडेंट होता है, वापस लाना, फिर इंक्रीज करना, आगे करना, मूव करना, मतलब जैसे पैराग्राफ लिखने के स्टाइल्स होते हैं वो चीज़ है ये. टेक्स्ट की डायरेक्शन देखिए, लेफ्ट राइट साइड पे चले गई, लेफ्ट साइड पे रख रहे तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगी, मतलब आपका जो नीचे वाला पार्ट है इस चीज को, ठीक है. ये सॉर्टिंग वगैरह होती है कि आपने जो भी पैराग्राफ है उसको कैसे सॉर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, इट्स अप टू यू. ये होते हैं हेडिंग्स टैग, देखिए ये डिफरेंट टैग्स हैं, ठीक है. ये हेडिंग्स वगैरह हो रही हैं इम्प्लीमेंट. हाँ जी, इंसर्ट के अंदर जब हम जाते हैं तो वहां पे हमारे पास ऑप्शन होता है टेबल्स का, ठीक है. अब हमारे पास टेबल जो है, बेसिकली हमने जो सीवी बनानी होती है वो टेबल बेस ही बनती है. सीवी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. लाइक मैं इंसर्ट करना चाह रही हूँ टेबल, ठीक है, तो इंसर्ट कर सकते हैं आप. मैं यहाँ पे करती हूँ लाइक इंसर्ट के अंदर जाती हूँ मैं. ये देखें, एक तो ये तरीका है, आपको कितनी रोज और कितने कॉलम चाहिए इस तरह आ जाएगा. ये देखें आप खुद कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना टेबल जो है वो खुद ड्रा कर लें. ड्रा में फिर ये आपके पास पेंसिल होगी, लाइक आप खुद ड्रा करते जाएंगे और आपका जो टेबल है वो बनता जाएगा, ठीक है. ये आपका टेबल जो है वो ड्रा होता जाएगा. अगर आप चाहते हैं कि आपने टेबल ड्रा नहीं करना, इंसर्ट करना है, तो बेटा आप लिखें यहाँ पे 8 आपको कॉलम चाहिए, 9 आपको रोज चाहिए. देखिए जरा अब टेबल बना कि नहीं बना, ये टेबल के अंदर टेबल है, टेबल के अंदर टेबल बन गया, बिकॉज मैंने जो पाथ एरिया सेलेक्ट किया होगा ना वहीं पे टेबल जो है वो आपका बन जाएगा. डिलीट करना है टेबल, ये आपने ये जो आइकन होता है ये वाला आइकन, ये वाला आइकन, ठीक है. इस तरह इसके कलर्स भी चेंज हो जाएंगे. ये देखें आपको टेबल्स का भी जो भी स्टाइल चेंज करना है वो आप कर सकते हैं. अब ये देखें मुझे टेबल डिलीट करना है, टेबल डिलीट करना है, रो डिलीट करनी है, कॉलम डिलीट करनी है, कॉलम सेल डिलीट करने हैं, वो सारी चीजें जो है वो आपकी डिलीट हो जाएंगी, ठीक है. लाइक मैंने ये एक टेबल बनाया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, ये वाला जो साइन है देखें ये आ गया, मतलब कि हर तरह का स्टाइल अवेलेबल है. आपने इसके अंदर जो राइटिंग है, फॉन्ट है, वो क्या रखना है वो आप चूज कर लें. कलर क्या देना है आपने इसके जो राइटिंग का है वो चूज कर लें, या आप बाद में भी कर सकते हैं. लेट्स सपोज करो कि
मतलब मुझे ये कोई सेल डिलीट करना है, कॉलम डिलीट करना है, वो आप कर लिया, ठीक है। अब मुझे एक ना फॉन्ट, ये टेबल बहुत ही डल है, हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, मुझे इसके ना नीचे एक और रो ऐड करनी है, ठीक है, इसके नीचे एक और रो ऐड करनी है। तो मैं राइट क्लिक कर रही हूँ अपने माउस का, ठीक है, अपने माउस का राइट क्लिक कर रही हूँ। तो अब बेटा क्या हो रहा है, इंसर्ट के ऊपर जा रही हूँ, बिलो करनी है, अबव करनी है, राइट साइड पे करनी है, लेफ्ट साइड पे करनी है, तो बेटा वो वहीं पे ही जो है आ जाएगी। अब इंसर्ट रो बिलो यहाँ पे मैं कर रही हूँ, तो देखिए बिलो आपकी जो रो है वो ऐड हो गई। ओके, तो ये तरीका है वर्ड के अंदर काम करने का। बेटा प्लीज़ प्रैक्टिस करें। लाइक मुझे ये मर्ज करनी है इतनी सारी, मैं राइट क्लिक कर रही हूँ, सिलेक्ट करके मर्ज सेल हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए एक ही कॉलम आपका जो एक ही रो है ये बन गई, ठीक है। तो मैंने ये राइटिंग का कलर चूज़ किया हुआ था, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये था आप लोगों का लेक्चर, प्लीज़ इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। मैं इसको अपलोड भी कर देती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ दोबारा देख लें, प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। अभी हम इसके ऊपर और काम करेंगे, लेकिन प्लीज़ जितना आपको करवा दिया उतनी भी प्रैक्टिस करें और एक्स्ट्रा भी करने की ट्राई करें। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।